सो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम लोग चल रहे हैं, कवर करने वाले हैं बरेली का धोपेश्वर नाथ मंदिर। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। वैसे वो मंदिर मेरे घर से कम 15 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं। चलिए हम लोग मंदिर आ चुके हैं, चलते हैं अब मंदिर के अंदर। ये वैसे काफ़ी बड़ा मंदिर, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर है। इसमें बीच में कुंड वगैरह भी है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये छोटा सा मार्केट है एक मंदिर से ही पहले। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर। ये शिवालय है, पहले हाथ धो लेते हैं। पहले दर्शन कर ले रहे हैं भगवान के। ये हमारे नंदी महाराज, जय नंदी महाराज। ओम नमः शिवालय से निकल के। इधर काफ़ी सारे मंदिर हैं छोटे छोटे से हर भगवान के। चलिए दर्शन करते हैं। जब से मंदिर बनाया तब से ये कुंड है, और ये हमारे पीछे ही शिवलिंग है, शिवालय। ये इसके अंदर माँ वैष्णो देवी की गुफा है। चलिए गुफा के अंदर चलते हैं। खुली हो बट, क्योंकि मैं काफी बार आया हूँ, गुफा बंद निकली है, आज शायद खुली हो। गुफा में पानी भी भर हुआ है, मैंने अपनी जींस ऊपर करी है, और शायद पानी काफी थोड़ा गहरा है, हल्का ना ज्यादा नहीं। चलते हैं आगे। ये माँ वैष्णो देवी की पूरी गुफा जाती बनाई है। तो
कुंड के बिल्कुल अपोजिट साइड एक मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी लोग खाने पीने भी आते हैं। ये पीछे अभी पीछे चलेंगे, यहाँ पर आई थिंक फ़ोटो का अगर कुछ होगा, फ़ोटोज़ वगैरह पिक्स वगैरह आप ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, ये काफ़ी बड़ा, सॉरी ये पूरा एक पेड़ है। अब चलते हैं पीछे, ये मंदिर के इस साइड एकदम स्टेयर्स हैं, काफ़ी ज़रा अच्छी लग रही है, यहाँ से पूरा अच्छा व्यू आ रहा है मंदिर के पीछे का। ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर सुबह हिरन मोर वगैरह भी आते हैं अगर आप मॉर्निंग में आए। यहाँ पर पिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी क्लिक होंगी। ये मंदिर के पूरे एक साइड में फिर ये नवग्रह वाटिका बनी है, इनको हम लोग राशियों के नाम से भी जानते हैं, शनि शुक्र ये सब बुध ये राशियाँ। और एक मंदिर है, चलते हैं उधर मंदिर की तरफ। काफ़ी इधर मैं आज तक नहीं आया हूँ, शायद अभी नया भी बना है। यहाँ पर छोटे छोटे से मंदिर बना दिए हैं, ये शिव जी का मंदिर है। ये हनुमान जी का मंदिर है प्राचीन। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और चलते हैं अब घर। यह छोटा सा मार्केट है, अगर आपको यहाँ से कुछ लेना हो बच्चों को रख लीजिए, क्योंकि मंदिर काफ़ी शहर से थोड़ा सा दूर है, अगर आपको कुछ चाहिए तो ले सकते हैं। काफ़ी सारे टॉयज वगैरह भी हैं। तो हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल मिलते हैं एक नए नाथ में, नए मंदिर में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।